नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर हमेशा चर्चा होती है। इस कड़ी में जिस तरीके से पवन सिंह का लाल घाघरा आया है, उसको लेकर तमाम लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और खेसारी लाल यादव से तुलना कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि पवन सिंह ने भी कितना ज्यादा जोर लगा दिया, लेकिन खेसारी लाल यादव के पानी पानी के रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ पाया। पानी पानी गाना जो है लगभग 14 मिलियन के तकरीबन में व्यूज गेन किया था। पवन सिंह का भी गाना उसी के तकरीबन में व्यूज गेन किया है। व्यूज के मामले में तो पवन सिंह थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन लाइक्स और कमेंट्स के मामले में काफी ज्यादा पीछे हैं, जिससे ये दिखाता है कि पवन सिंह के गानों को किस तरीके से एक कॉस्टली आर्ट के तौर पर देखा गया है। तो वहीं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर विवादों के दौर में खेसारी लाल यादव से पवन सिंह किसी भी मामले में आगे नहीं निकल पाए, ना ही वो कमेंट्स के मामले में, ना ही वो लाइक्स के मामले में, ना ही वो ट्रेंडिंग मामले में, क्योंकि खेसारी लाल यादव का पानी पानी गाना दोनों जगह ट्रेंड कर रहा था। तो ये खेसारी लाल यादव का रुतबा है। लेकिन ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव ने जो सारे वहां भोजपुरी है, वो खेसारी लाल यादव के साथ लोचा भी कर दिया है। लोचा ये है, जिसे जानेंगे तो आपके भी जो है वो अंदर एक अलग सी आग नजर आएगी, और वो आग इस तरीके की होगी कि खेसारी लाल यादव का जब गाना पानी पानी का फर्स्ट मोशन पोस्टर लॉन्च हुआ था तो वो ट्रेंडिंग में गया था, टीजर लॉन्च हुआ था तो वो ट्रेंडिंग में गया था, और जब गाना रिलीज हुआ तो वो ट्रेंडिंग में गया। लेकिन जैसे ही गाना रिलीज हुआ, उनके टीजर को और फर्स्ट मोशन पोस्टर को ट्रेंडिंग में रहने के बावजूद भी डिलीट कर दिया गया था। लेकिन पवन सिंह के साथ पता नहीं क्यों सारेगामा हम भोजपुरी ने ऐसा नहीं किया है। पवन सिंह का गाना टीजर भी है, फर्स्ट मोशन भी है, और गाना तो है ही, उसमें से फर्स्ट टीजर जो है वो फर्स्ट मोशन पोस्टर वो ट्रेंड भी कर रहा है। 2-3 दिन गाना का भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी सारेगामा हम भोजपुरी ने खेसारी लाल यादव के तो चलते हुए जगह पर इस चीज को डिलीट नहीं किया है। तो इसको क्या समझा जाए, मतलब कि जिसका गाना और फर्स्ट मोशन और टीजर जो है ट्रेंडिंग में जा रहा है, इसके बावजूद भी आप डिलीट कर रहे हो, लेकिन एक स्टार का आप छोड़ दे रहे हो, इसको किस तरीके से देखा जाए, ये आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि अगर किसी कलाकारों के साथ आप कर रहे हो तो हर कलाकार के साथ सेम बैलेंसिंग के साथ ऐसी चीजें करनी चाहिए, नहीं तो खेसारी लाल यादव का और भी बड़ा रिकॉर्ड स्थापित हो रहा और कई कई गाने जो है एक साथ और ट्रेंड करने का जो रिकॉर्ड है खेसारी लाल यादव बना देते। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।